तुमने नेमार खरीदा है लेकिन नेमार को कैसे खिलाते हैं वही नहीं जानते हो, कैसे नेमार से तुमको स्किल करना है वो नहीं जानते हो, अगर तुम फिनिशिंग करना चाहो तो फिनिशिंग नहीं हो रहा, अगर तुम अंदर घुसने जा रहे हो ओपोनेंट का डिफेंडर ब्लॉक कर रहा है, तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज मैं तुमको इस सब चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा एंड विथ प्रूफ तुमको दिखाऊंगा कि नेमार को तुमको एक्चुअली में कैसे खिलाना है। तो इसके लिए ना तुमको सिंपल चार चीजों को जानना बहुत जरूरी है। पहले है बेस्ट प्रोग्रेशन, उसके साथ साथ कौन सा स्किल देना जरूरी है, और सेकंड चीज है बेस्ट बूस्टर स्किल। हाँ भाई, बूस्टर जो एडिशनल बूस्टर तुम दे सकते हो नेमार, उसको भी जानना तुम्हारे बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड चीज है तुमको कौन सी चीज अवॉइड करने चाहिए जब तुम नेमार लेके खिला रहे हो। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, ये टिप्स अगर तुमने मिस कर दिया तो तुम लगता है बहुत कुछ मिस कर दोगे इस ई फुटबॉल 25 में, क्योंकि यार मैंने एक ऐसा लूपहोल ढूंढ चुका हूँ नेमार से। अगर तुम नेमार से आराम से 10 शॉट करते हो तो 8 से 9 गोल हो जाएगा। मैं एक पोजीशन तुमको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसको जानने के लिए कुछ नहीं करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा। पहले ही बता दूं, मेरे इस भाई ने मुझे ये नेमार प्रोवाइड किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, नेमार के लिए जो बेस्ट प्रोग्रेशन है वो तुम स्क्रीन में देख रहे हो, ये मेरा प्रोग्रेशन है, तुम्हारा अगर कोई पर्सनल प्रोग्रेशन है तुम उसको यूज कर सकते हो। हाँ, एडिशनल स्किल में तुमको देना होगा पिन पॉइंट क्रॉसिंग, लॉन्ग रेंज शूटिंग, डिपिंग शॉट, थ्रू पासिंग और वेटेड पासिंग। ये पांच स्किल तुमको नेमार को बस दे देना है, उसके बाद ये हो जाएगा कतई अनस्टॉपेबल। अब आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट लिंक, जो है एक्स्ट्रा एडिशनल बूस्टर दूंगा क्या देना है। टेक्नीशियन बूस्टर भी दे सकते हो, और एक जो बूस्टर है शूटिंग बूस्टर, ये भी तुम दे सकते हो नेमार को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कौन सा चीज तुमको अवॉइड करना चाहिए जब तुम नेमार लेके खेलते हो। देखो, नेमार ना एक्चुअली में तुम जो सोचते हो भाई एकदम से बॉडी गार्ड करके बॉल को लते कते ड्रिबलिंग करके एकदम ले जाएगा, देखो पहले तुमको ना ड्रिबल और स्किल में एकदम डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। देखो, इसको बोलते हैं स्किल जो तुम करते हो नेमार के साथ, और ड्रिबलिंग बोलते हैं इसको जो तुम बॉडी को गार्ड करके एकदम बॉल को ड्रिबल करके ले जाते हो, ठीक है। तो दोनों चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर तुम एक ड्रिबलर हो तो तुम्हारे लिए नेमार नहीं है, लेकिन अगर तुम एक स्किलर हो तो तुम्हारे लिए नेमार है। तो नेमार लेके तुम अगर ड्रिबल कर रहे हो तो तुमको प्रॉब्लम जरूर मिलेगा, तो नेमार लेके होपफुली तुम ड्रिबल मत ही करो तो बेहतर है, ठीक है। सेकेंड चीज है, नेमार लेके अगर तुम लॉन्ग रेंज शूटिंग कर रहे हो, बहुत कम किकिंग पावर है, ठीक है, तो इससे अगर तुम लॉन्ग रेंज शूटिंग करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर तुम नेमार को लेके बहुत अंदर घुस रहे हो कि सोच रहे हो एकदम बहुत अंदर घुस जाओगे फिर जाके शूट करोगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और अगर तुम नेमार को लेके ज़्यादा ओवर स्किलिंग कर रहे हो, एकदम ओपोनेंट देख रहे हो कि ओपोनेंट डिफेंडर है बहुत हाई फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले प्लेयर है, तो नेमार लेके कतई उतना ज़्यादा भी स्किल मत करना, क्योंकि अगर तुम नेमार लेके स्किल कर रहे हो और ओपोनेंट का हाई फिजिकल वाला प्लेयर एक बार भी टच कर दे तो नेमार गिर जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ जब तुम नेमार लेके खेलोगे ये वाला नेमार अवॉइड करना। अब बढ़ते हैं इस नेमार को लेके तुमको एक्चुअली खेलना कैसे। देखो, दो तरीके से तुम खिला सकते हो, एक है भाई फिनिश ड्रिबल करके, ठीक है, सिंपल तुम जाओ एकदम नेमार को पास दो, डबल टच करके शूट करो, नहीं तो यार कट बैन स्टार करके शूट करो, ठीक है, ये होता है एकदम बेसिक लेवल, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं प्राइम एकदम अच्छा खासा लेवल पे ले जाऊं तुमको, तो भाई वो होगा मेरा जो पर्सनल टिप्स। देखो, तुमको सिंपल कुछ नहीं करना, नेमार को जैसे जैसे करके इस पोजीशन में ले आओ, जैसे ही तुम इस पोजीशन में ले आओ हमेशा इस लाइन को ध्यान रखना, इस लाइन के आजू बाजू में तुमको बस नेमार को भगाना है अंदर, जैसे ही तुम थोड़ा बहुत अंदर आ जाओ कर्ल कर दो भाई, 10 बार अगर तुम कर्ल करोगे तो लिटरली 7 से 8 बार गोल होगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है, ये तो भाई हर बार होगा ही होगा। तुमको इसके लिए, इसको करने के लिए क्या करना होगा, नहीं तो यार तुमको नेमार को एकदम क्लियर पासिंग देना होगा, नहीं तो 1-2 करवाना होगा तुम्हारे जो CMF या AMF है। अगर करवा दिया, अगर तुम्हारा नेमार इधर पोजीशन में आ गया, फिर तुमको क्या करना है, फिर एक बार स्किल करके अंदर घुस जाना है, जो तुम्हारे नेमार को गार्ड कर रहा होगा बस उसको तुमको बीट करना है स्किल करके। जैसे ही तुम एक बार स्किल करके बीट कर दोगे, तुमको आग बंद करके कुछ नहीं सोचना, अंदर घुसते हुए जाना है, जैसे ही तुम इस पोजीशन में आ जाओ शूट कर दो, ठीक है। और शूट करोगे भाई मैं बोलता हूँ, अगर पोस्ट पर भी लगा तुम्हारा RWF है गोल कर देगा, अगर तुम्हारा RWF नहीं है AMF तो गोल कर ही देगा, ठीक है। और अगर होपफुली नेमार अगर तुम्हारा चल जाए तो 8 बार तो नेमार ही गोल कर देगा। तो होपफुली ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, अगर हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, चलता हूँ।